नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में आपको ले चलते हैं एक नए स्थान पे। यह स्थान है पटना वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत स्थान। और यहाँ के प्राकृतिक व्यू देखकर सच में आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रकृति के बीच यह झरना सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पहाड़ों के बीचों बीच से जब यह झरना ऊपर से नीचे आती है तो यह देखकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं पटना वाटरफॉल। कैसे जाएंगे और कब जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद। जैसे आप की देख पा रहे हैं रास्ते में कितने खूबसूरत झरने और जलप्रपात जो हैं बह रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी हम और चेतन जी जो है यहाँ पर आए थे पटना वाटरफॉल में, वो गर्मी के समय में, लेकिन इस समय काफ़ी ठंड है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। सस्ते अंडरटेकर। अब जो है यहाँ से रास्ते जो है काफ़ी चढ़ाई है रास्ते पे और काफ़ी रहस्यमय रास्ता, रास्ते में कोई नहीं, बिल्कुल शांत। और रास्ते में रविंद्र जी और गोरख जी बैठे हुए हैं, काफ़ी थके हुए मालूम पड़ते हैं। जैसे कि ऊपर गांव है और गांव से जो है लोग आ रहे हैं। वैसे यदि आप यहां पर आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होगा गर्मियों का समय, क्योंकि उस समय वाटरफॉल का आनंद लेना बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए लाभदायी भी होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है उस समय, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम और ऊपर से ठंडी ठंडी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आइए और अवश्य इस जलप्रपात का आनंद उठाइए। और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अब बस ज़्यादा नहीं 500 मीटर है यहाँ से मात्र पटना वाटरफॉल। बस अब इधर जो है हम आ चुके हैं और आगे जो है इस तरफ पटना गांव है, और ये जो रास्ता चला जा रहा है ये पटना गांव की तरफ चला जा रहा है, और ये सीधा ये रास्ता हम जा रहे हैं पटना वाटरफॉल की तरफ। तो पहले हम चलते हैं पटना वाटरफॉल, फिर हो सके तो हम पटना गांव की तरफ जाएंगे, लेकिन परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है और प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अभी चलते हैं पटना वाटरफॉल की तरफ। काफ़ी खूबसूरत और प्रकृति के बीच ये जो वाटरफॉल है एक अपना अद्भुत सौंदर्य से जो है सुसज्जित, लोगों के मन को मनोहर करती है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। आगे चलते हैं और हम आ चुके हैं बिल्कुल नज़दीक, और यहीं से जो है दृश्य आपको दिखना शुरू हो गया होगा वाटरफॉल का। हालांकि अभी ठंड का समय है, इस वजह से भीड़ काफ़ी कम है, नहीं तो यदि आप गर्मी के समय में आएंगे
तो काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए, और यहाँ की जो पानी है, मैं आपको पानी दिखाऊंगा अभी। पानी कितना स्वच्छ है, ये देखिए, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। और आप देख सकते हैं पानी, देख सकते हैं, बिल्कुल तलहटी तक जो है दिख रहा है यहाँ से, इतने स्वच्छ पानी है। दिखाओ मेरे को, यह है फिश पेडिक्योर। ये जो पानी दिख रहा है स्वच्छ वाटर, और इसमें जो है मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। जब आप इसमें आप पैर डुबोएंगे तो आपके पैरों तले जो है मछली आकर जो है आपको छोटी छोटी जो है काट सकती हैं मछलियाँ। तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर, देखिए। जो है ये इस छोटे ब्रिज से जो है हम पार करके चलते हैं उस तरफ, और दिखाते हैं ये जो जलप्रपात है, बिल्कुल करीब जाते हैं और करीब से दिखाएंगे इसको। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत और ठंडी जो है जल की हवा जो है ये इधर आ रही है, और ठंड में और ही गजब की लग रही है। ये देखिए, और ये जलप्रपात की ये खासियत है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो है गुफा है यहाँ पर, और ये गुफा से जो है ये पानी ऊपर के तरफ से, ऊपर के झरने से जो है बहती हुई नीचे की ओर आ रही है।